ग्वाल पुलिस स्टार्ट। भूपेंद्र सिंह बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं सभी सम्मान्य सदस्यों का धन्यवाद करूंगा और एट द आउटसेट ये बताना चाहूंगा कि जो जो अच्छे सुझाव आए हैं सुकेंदु शेखर रॉय जी ने दिए, नरेश जी ने दिए, सतीश जी ने दिए, राजीव जी ने, दिग्विजय जी ने, तिरुचि शिवा ने दिया, तपन सेन दादा ने दिया, श्री लक्ष्मणन जी ने दिया, सुधा रानी जी ने दिया, अनुभव मोहंती, मैं सभी सम्मान्य सदस्यों के सुझावों को पूरी तरीके से मद्देनजर रखते हुए जो जो और सुधार हो सकता है करूंगा। कुछ छोटी बातें बता के जल्द ही अपनी बात को विराम दूंगा। राजीव शुक्ला जी ने फिर एक बात जल्दबाजी की बात कही। मैं समझता हूं हमने जल्दबाजी करके एक ईमानदार प्रोसेस 4 महीने में किया है, उसके लिए शायद सदन खुशी होगा कि उससे गरीब राज्यों को, पिछड़े राज्यों को ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। सर, जहाँ तक लेबर के राइट्स का सवाल है, हमने इसमें वैसे भी लिखा था कि ऑल रेलेवेंट लॉज विल प्रिवेल और कंपनीज एक्ट में साथ में रखे हैं। बहुत ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट में लेबर के लिए प्रोवाइड किया गया है, फिर भी मैं आश्वासन देता हूँ कि रूल्स में उसके लिए नेसेसरी प्रावधान किए जाएंगे। स्टेट्स के राइट के रिस्पेक्ट की बात हुई, हम कंटिन्यूसली स्टेट्स के साथ डायलॉग रखते हैं निरंतर, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, सभी स्टेट से हमारा निरंतर डायलॉग चलता है और उसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि स्टेट्स के राइट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ कोल बेरिंग स्टेट्स नहीं पर 30 राज्यों के जो उपभोक्ता हैं बिजली के उपभोक्ता, उनका भी लाभ हो, उनका भी ध्यान रखा जाए। इसलिए वी हैव टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द कोल बेरिंग स्टेट्स एंड द पावर कंज्यूमर्स। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की कई बार बात हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी का आर्टिकल ऑफ फेथ है कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पर्यावरण के मामले में कोई भी कदम कम नहीं किया जाएगा। जहां तक दिग्विजय जी ने भी कहा, इसमें ये जरूर आप समझेंगे कि जब तक लैंड नहीं हो तब तक आप फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं ले सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या बात है कि पहले ट्राइबल का एनओसी लें, एनवायरमेंट का एनओसी लें, इसकी कोई संभावना नहीं है जब तक जमीन नहीं अधिग्रहण की जाए। जहाँ तक एसएसआई की बात नरेश जी वगैरह ने की, मैं सीआईएल को भी निर्देश दूंगा कि वो भी छोटे उद्योगों के लिए एक स्पेसिफिक स्टेट्स को कोटा दे जिससे छोटे उद्योगों का ध्यान रखा जाए। मैं आप सबको खुशी होगी कि आज भारत में एक भी पावर प्लांट में कोयले की कमी नहीं है, आज सरप्लस कोयला है देश में, 7% कोयले की वृद्धि हुई है गत 9 महीनों में और आज सफिशियंट कोयला देश में है। ट्राइबल एरियाज की बात की गई, एमएमडीआर एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है वो कोयले के भी खदानों को अप्लाई करता है और वो कोयले की खदानों में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनेगी वो विदेश, वो खास तौर पे आदिवासियों का विशेष ध्यान देगी। ये बात चर्चा में आ चुकी है। आपने सतीश जी जो बात कही वो डिफाइनिंग द एरियाज, उस पर हम दोनों मंत्री संपर्क करके उसको भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक जॉइंट वेंचर्स की बात राजीव जी ने की, हमने प्रावधान ऑलरेडी रखा है कि जॉइंट वेंचर में 26% से ज़्यादा कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं हो सकता है और स्टेट्स के राइट दादा सस्पेंड इंडेफिनेटली नहीं किए जाएंगे। ये 204 महीने अलॉट होने तक की बात है, 3-4 वर्ष 5 वर्ष के लिए। जहाँ तक एंड यूजर्स की बात है, वो स्पर्धा आने से कोल इंडिया का भी काम सुधरेगा, पूरे देश में कोयले के खदानों का काम सुधरेगा। फॉरेन कंपनीज अलाउड नहीं है, सुकेंदु जी ने विषय उठाया, प्रावधान रखा गया है कि सिर्फ इंडियन कंपनीज कोयले की खदान ले सकती हैं। नेवल लिग्नाइट के विषय में मैं विशेष ध्यान दूंगा और उसको देखूंगा, लक्ष्मणन जी ने रेज किया था। आंध्र प्रदेश में और एक्सप्लोरेशन हो कोयले के खदानों का, उस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में और ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो, उससे हम और ज्यादा कोयला दक्षिण भारत में ला सके, उस पर भी विशेष ध्यान देंगे। आखिरी में खुशखबरी देके खत्म करूंगा, संजीव जी झारखंड से आते हैं, मुझे उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा, जितने भी प्रमुख कोयले के राज्य हैं उन सब में सीएसआर के माध्यम से अगले 3-4 वर्षों में एक एक कैंसर हॉस्पिटल हम सभी राज्यों में बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much. I move that the bill be passed.